जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा अवैध व अपमिश्र शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत करीब 30 लाख की थाना मुंगराबाद, शाहपुर पुलिस, थाना पवारा पुलिस और आबकारी टीम जौनपुर द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 1000 अवैध शराब बोतलें पैक व 540 लीटर अवैध शराब ढक्कन 30,000, रैपर 8,000, बारकोड 800, खाली बोतलें 6,000, स्प्रिट 200 लीटर, पैकिंग मशीन 1, कैरामल 1 लीटर, यूरिया 2 किलोग्राम, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी, 1 अवैध तमंचा, 12 बोर मैक कारतूस, 1 कंट्री मेड अवैध पिस्टल, नाजायज गांजा 4 किलो 500 ग्राम व 2 मोबाइल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। ये आगामी दशहरा और दीपावली का त्यौहार है, तो त्यौहारों के मद्देनजर शराब की खपत बढ़ जाती है और जो शराब का अवैध कारोबार करते हैं वो लोग इसी फायदा उठाते हुए अपमिश्रित शराब का भंडारण और वितरण करते हैं। तो इसलिए पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था और उसी अभियान के तहत सदानंद राय एसओ मुंगरा, मनोज कुमार एसओ पवारा और आबकारी निरीक्षक इंद्रजीत कुमार टीम नंबर 5, इनके द्वारा आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। मुंगरा बादशाहपुर के सतहरिया क्षेत्र से एक स्कॉर्पियो वाहन पकड़ा गया है जिसमें अवैध शराब 200 ml की लगभग 1000 भरी हुई बोतल शीशियाँ और 200 ml की लगभग 6000 खाली शीशियाँ, 30,000 ढक्कन, 8,000 रैपर, 800 बार कोड, 5 गैलन में स्पिट लगभग 200 लीटर, 1 पैकिंग मशीन, किरामल 1 लीटर, यूरिया लगभग 2 किलो और सफ़ेद प्लास्टिक की टंकी से लगभग 400 लीटर अवैध शराब एक स्कॉर्पियो वाहन पर बता दिया है। साथ ही अपराधियों के पास से एक तमंचा, 12 बोर, एक कारतूस और एक कंट्री मेड अवैध पिस्टल और उसके कारतूस, लगभग 4.5 किलोग्राम गांजा और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। जो अपराधी 3 पकड़े गए हैं इसमें एक राजेश यादव है, मुंगरा बादशाहपुर का राजेश यादव, ये सुजानगंज का है, मुस्तफाबाद का। इस पर 3 मुकदमे हैं। विजय मौर्य पकड़ा गया है जिस पर कि बक्सा, शिवपुर, बनारस और मुंगरा बादशाहपुर के मिलाकर के कुल 7 मुकदमे हैं। अमित तिवारी पर 2 अभियोग हैं और 2 अभियुक्त वांछित हैं जो कि इसके सरगना थे, जिनके संरक्षण में सारा कारोबार चलता था। इसमें जो सबसे बड़ा अपराधी है वीर बहादुर सिंह उर्फ पिंटू जो कि बरसठी का रहने वाला है। इस पर जनपद के विभिन्न थानों में लगभग 16 मुकदमे कायम हैं और एक अभी इसमें और वांछित है जिसकी तलाश की जा रही है और जो सारा माल बरामद हुआ है लगभग 30 लाख रुपए का है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से जनपद में जो अवैध शराब का कारोबार हो रहा था उस पर अंकुश लगेगा। कैसे काम करते हैं, क्या मॉडल ऑपरेंडी थी इनकी? मॉडल ऑपरेंडी थी कि स्प्रिट से ये उसमें किरामल मिला करके ये शराब को तैयार करते थे और उसके बाद जो इनके पास 6,000 अदद खाली शीशी मिली है, ढक्कन मिले हैं, उसी में पैक करते थे और पैकिंग के लिए इनके पास मशीन भी मिली है उससे उसको पैक करते थे, बार कोड भी मिला है, बार कोड लगा देते थे। यद्यपि स्कैन करने में बार कोड जो है फर्जी पाया जाता है लेकिन दिखाने के लिए उस पर बार कोड भी लगा रहता था। तो ये स्प्रिट से उसको शराब तैयार करके बोतलों में भर करके ये पुनः पिंटू को दे देते थे और पिंटू जो है उसकी सप्लाई धीरे धीरे करता था। नहीं, अमित तिवारी पकड़ा गया, किसका सदस्य ये नहीं जानकारी है, बाकी मौके से पकड़ा गया, उससे माल बरामद हुआ, विधिक कार्रवाई की जा रही है। और लोग इसमें है, हाँ, दो लोग दो लोग और हैं जो वांछित हैं, उनको जब पकड़ा जाएगा तो हो सकता है उनके और भी शागिर्द हों जो अलग काम कर रहे हों, तो उनके बारे में जानकारी उनसे प्राप्त होगी।